हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट्स बताई थी कि अपनी बुक में टोटल 3 यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट अपनी थी डाटा स्ट्रक्चर जो 20 मार्क्स की थी, सेकंड यूनिट थी अपनी C++ लैंग्वेज जो 16 मार्क्स की थी, थर्ड यूनिट जो अपने हैं DBMS जो आपके 20 मार्क्स की है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और टोटल अपना रिटर्न पेपर आएगा जो बोर्ड के एग्जाम में, वो आएगा 56 का। तो स्टूडेंट्स, अपने को तीनों यूनिट करनी है। अगर कंप्लीट करनी है तो उससे पहले हमें कंप्यूटर में बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, जो मेनली आपके बेसिक पॉइंट है। यदि वो क्लियर होंगे तभी आप ये तीनों यूनिट कवर कर पाओगे और तभी आप 90+ मार्क्स को क्रॉस कर पाओगे और आपको ईजी लगेगी। बिल्कुल ईजी यूनिट्स है, कोई किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। आप एक बार रीड करोगे, एक बार आप समझोगे, कंटिन्यू आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 20 मिनट जाके घर अपने खुद स्टडी करोगे, आप कभी भी जिंदगी भर इस सब्जेक्ट को नहीं भूलोगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है 12th की अपने कंप्यूटर साइंस की बुक कर रहे हैं। तो बेसिक जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है वेरिएबल। हमें कुछ भी कोई भी चैप्टर करना है स्टूडेंट्स कंप्यूटर का, तो हमें वेरिएबल के बारे में पहला पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू 500। जेड में हमने स्टोर की है 500 वैल्यू। तो जेड क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल है। 500 क्या है? वैल्यू है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्लो मोशन में। स्लो मोशन का मतलब ये नहीं कि मैं धीरे धीरे लूँगा, धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि वेरिएबल क्या होता है। बेटा, वेरिएबल में हम क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है जेड इक्वल टू 500। तो जेड स्टूडेंट है वेरिएबल और 500 है वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले सुन ले ध्यानपूर्वक कि वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। इंग्लिश में वेरिएबल भी बोल सकते हो आप, और हिंदी मीडियम वाले वेरिएबल भी लिख सकते हैं या चर भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुन लें, क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड में कि व्हाट इज वेरिएबल। एक नंबर का आया, जैसे शॉर्टली आपके 14 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, एक एक नंबर के 56 में से 14 क्वेश्चन, तो आपको ऐसे कवर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज वेरिएबल एक नंबर का, तो आप बोलोगे, लिखोगे उसमें कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे कि वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। दैट्स क्लियर? ठीक है, फिर आप छोटा सा एक एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल में आप लिखोगे जेड इक्वल टू 500। जेड हमारे पास वेरिएबल है, 500 हमारे पास वैल्यू है। स्टूडेंट, जरूरी नहीं आप जेड वेरिएबल ले हो, आप कोई भी वेरिएबल उसमें शो कर सकते हो। जेड की जगह ए बी सी डी ई एफ और वैल्यू भी आप कुछ भी ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, आपको एक लाइन और लिखनी है कि वेरिएबल में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कि वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जैसे जेड इक्वल टू 500 है तो जेड इक्वल टू 5000 भी हो सकता है, कि वेरिएबल में जब मर्जी हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू में चेंज हो सकता है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, क्या हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? तो आपको लिखना है यस। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो दोबारा सुने, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज वेरिएबल, क्योंकि बेसिक पॉइंट है, सबसे मेनली पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल क्या होता है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट, वेरिएबल वो होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना है, जेड इक्वल टू 500। जेड हमारे पास वेरिएबल है, आपको एरो का निशान लगा के लिखना है वेरिएबल, और 500 बेटा क्या है? वैल्यू है। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, जो दूसरा सेकंड नंबर टॉपिक है, डाटा टाइप। स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो हिंदी में अपने लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको वेरिएबल इंग्लिश में लिखना, आप हिंदी में लिख सकते हो वेरिएबल, और शुद्ध हिंदी में उसको लिख सकते हो चर। तो जरूरी नहीं आप इंग्लिश का वर्ड यूज करें हिंदी मीडियम वाले, आप प्योरली हिंदी में लिख सकते हो। अगर आप लिख सकते हो इंग्लिश में वेरिएबल तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। वेरिएबल आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वालों को ये फैसिलिटी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ओनली फॉर लिखेंगे वेरिएबल। और वैल्यू को आप वैल्यू लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लें, वैल्यू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और वैल्यू को हिंदी में भी लिख सकते हैं वैल्यू, या इसका दूसरा नाम है मान। क्लियर है?
तो दोबारा सुने कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, दैट्स क्लियर। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर और वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मान, क्लियर है। अब सेकंड टॉपिक पे बेटा अपने आते हैं। सेकंड टॉपिक है अपना डाटा टाइप। अपने को वेरिएबल तो पता लग गया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में हमने वैल्यू को स्टोर किया, लेकिन यदि अपने को डाटा स्ट्रक्चर हो गया, C++ लैंग्वेज हो गया या कोई भी DBMS का कोई भी हो गया लैंग्वेज होगी, तो यदि हमें उसमें वेरिएबल को यूज़ करना है तो पहले उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर को हिंदी में बोलते हैं घोषित करना पड़ेगा। घोषित मतलब कि कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाटा टाइप का। किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? डाटा टाइप का। डाटा टाइप क्या होता है, अब मैं वो बता रहा हूँ। डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल। डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल। डाटा टाइप का उपयोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, डैट्स क्लियर। डाटा टाइप का उपयोग वेरिएबल को क्या करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है। डाटा टाइप ही हमें ये फिक्स करता है कि हमें वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करनी है। डाटा टाइप बेटा मेनली बहुत होते हैं, लेकिन मेनली जो डाटा टाइप है 3 टाइप्स के होते हैं। देखो इधर फर्स्ट नंबर पे इंटीजर, जो आपके बुक में है, सिलेबस में। वैसे तो बेसिक डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, कई प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, लेकिन मेनली जो आपको डाटा टाइप एक बार याद रखने हैं वो 3 डाटा टाइप्स है, जो आपको प्रोग्राम बनाने में भी हेल्प करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है इंटीजर डाटा टाइप, सेकंड नंबर पे है बेटा फ्लोट डाटा टाइप, और थर्ड नंबर पे है करेक्टर डाटा टाइप। ये है डाटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, क्लियर है। वैसे तो कई डाटा टाइप है, लेकिन हम इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई डाटा टाइप आपका यूज नहीं होता। तो डाटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, इंटीजर डाटा टाइप, फ्लॉट डाटा टाइप और करेक्टर डाटा टाइप, जो आप यूज करोगे प्रोग्राम में और इन लेसन्स को रीड करने में। बाकी और भी है डाटा टाइप, उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि डाटा टाइप के नाम पूछ लेते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, करेक्टर हो गया, डबल हो गया, वॉइड हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, बहुत से डाटा टाइप हमारे साथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बेटा डाटा टाइप बता रहा था, मैं कई होते हैं, लेकिन आपको 3 ही डाटा टाइप याद रखने हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर, ठीक है बेटा। इंटीजर डाटा टाइप क्या होगा, जिसमें हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे मैंने लिखा इंटीजर जेड, क्लियर है। तो जेड में अपने सिर्फ विदाउट डेसिमल नंबर आएंगे, बिना दशमलव की संख्या आएगी, जैसे जेड इज इक्वल टू 500। आप इसमें जेड में 500.50 का यूज़ नहीं कर सकते, तो ध्यान से सुन लेना। जेड नाम का जो वेरिएबल है, उसमें विदाउट डेसिमल नंबर को अपने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर इंटीजर डाटा टाइप आपने लिया है। यदि आपने फ्लोट डाटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जैसे अपने ने लिखा फ्लोट जेड, अब आप उसमें डेसिमल का प्रयोग बेटा कर सकते हो, जेड इज इक्वल टू 500.50, डैट्स क्लियर। तो इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है, जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, बिना दशमलव की संख्याओं को स्टोर करते हैं। फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है, जिसमें डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, दशमलव संख्याओं को स्टोर करते हैं। बेटा करेक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें करेक्टर्स को स्टोर करते हैं, मतलब अक्षरों को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो वेरिएबल अपने ने डिक्लेयर किया, जैसे मैंने लिखा करेक्टर जेड, जेड नाम का वेरिएबल लिया है, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम आप, ABCD, क्लियर है। अगर मैंने जेड नाम का वेरिएबल लिया है, तो उसमें हम करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, अक्षरों को स्टोर कर सकते हैं, ABCDEF, कुछ भी करो, जैसे मैंने एक्स को स्टोर किया, क्लियर है बेटा। अब दोबारा समझे कि डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, क्लियर है बेटा। जैसे मैंने लिखा इंटीजर जेड इज इक्वल टू 500, इंटीजर है डाटा टाइप, जेड है वेरिएबल, 500 है वैल्यू, डैट्स क्लियर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डाटा टाइप ही ये फिक्स करता है, ये निश्चित करता है कि हमें वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है, किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है। जैसे आपने लिखा इंटीजर, इंटीजर लिखा, तो आप उसमें बिना दशमलव की संख्याओं को स्टोर करोगे, विदाउट डेसिमल नंबर को स्टोर करोगे। यदि आपने लिखा फ्लोट, तो फ्लोट में हम क्या करेंगे बेटा, डेसिमल नंबर को स्टोर करेंगे। यदि हमने लिखा करेक्टर,
तो करेक्टर में हम किसको स्टोर करेंगे, अक्षरों को या करेक्टर्स को स्टोर करेंगे। तो ये दो टॉपिक बेटा आपके मेन थे। दोबारा सुने, अब मैं आपको शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपको खुद रीड करना है इसको, और आपका ये बिल्कुल क्लियर होगा, आप लाइफ भर ये नहीं बोलेंगे अगर आपने अभी एक बार और इसका रिविजन किया। तो दोबारा सुने बेटा कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया वेरिएबल, स्लो मोशन में बिल्कुल रिलैक्स होके, इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा इन दोनों टॉपिक में। बेटा वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं, दैट्स क्लियर। जैसे आपने लिखा जेड, जेड क्या है, वेरिएबल है। 500 क्या है, वैल्यू है, क्लियर है। वेरिएबल को हिंदी में ध्यान से सुन लेना, हिंदी मीडियम वाले, वेरिएबल को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चर, और वैल्यू को क्या बोलते हैं, मान, क्लियर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज वेरिएबल, तो आप बोर्ड में क्या लिखोगे, वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, या वेरिएबल का उपयोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, दैट्स क्लियर। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, एनी क्वेश्चन, नो, क्लियर है। दोबारा सुने बेटा, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, वेरिएबल का उपयोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको छोटा सा एग्जांपल देना है, जेड इज इक्वल टू 500, जेड तो वेरिएबल है, 500 क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब आता है सेकंड टॉपिक, डाटा टाइप। व्हाट इज डाटा टाइप, डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, डाटा टाइप का उपयोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। डाटा टाइप का उपयोग किस लिए किया जाता है बेटा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हिंदी मीडियम वाले सुने पहले, फिर इंग्लिश में बोलूँगा मैं। डाटा टाइप का उपयोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आए, दो नंबर का आए, तब आपको ये लिखना है और उसके टाइप्स लिखने हैं। यदि आपके दो नंबर का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज डाटा टाइप, तब आपको डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके टाइप्स भी लिखने हैं, एग्जांपल देके बताना है। यदि आपके पास सिर्फ एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाटा टाइप, तो डाटा टाइप के बारे में आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वाले पहले स्टूडेंट सुने कि डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, एनी क्वेश्चन। डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। डाटा टाइप ही ये है निश्चित करता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। उसमें बिना दशमलव के अंक स्टोर करने हैं, दशमलव के अंक स्टोर करने हैं, या करेक्टर स्टोर करने हैं, अक्षर स्टोर करने हैं, ये हमें कौन निश्चित करता है, डाटा टाइप। अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप लिया तो उसमें बिना दशमलव की संख्या स्टोर होगी, अगर आपने फ्लोट डाटा टाइप लिया तो उसमें दशमलव की संख्या स्टोर होगी, यदि आपने करेक्टर डाटा टाइप लिया तो उसमें आप बेटा क्या स्टोर करोगे, करेक्टर्स, वेरी गुड, करेक्टर्स स्टोर करोगे, क्या करोगे, करेक्टर, हिंदी में बोलते हैं अक्षर। एक बार दोबारा सुने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, व्हाट इज डाटा टाइप, डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। डिक्लेयर को घोषित करना भी बोलते हैं हिंदी में, घोषित करना, लेकिन आप डिक्लेयर ही याद करें, ईजी वर्ड है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश के सेंटेंस याद करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, ठीक है। आप दोनों वर्ड याद करें, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, कुछ कुछ, ये नहीं कि सब याद करें, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप घोषित करना भी लिख सकते हो, लेकिन डिक्लेयर करना अगर बोलोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आगे, ठीक है ना। इंटरव्यू वगैरह में यदि आप जाते हो तो कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो डिक्लेयर वर्ड भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो बेटा डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, दैट्स क्लियर। डाटा टाइप ये निश्चित करता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करनी है, क्लियर है। यदि हमने इंटीजर डाटा टाइप लिया है तो उसमें बिना दशमलव की वैल्यू को स्टोर करोगे, फ्लोट डाटा टाइप लिया है तो उसमें दशमलव की वैल्यू को स्टोर करोगे, करेक्टर डाटा टाइप लिया है तो उसमें हम किसको स्टोर करेंगे बेटा, अक्षरों को या करेक्टर्स को स्टोर करेंगे, दैट्स क्लियर। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुने कि व्हाट इज डाटा टाइप, डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, दैट्स क्लियर। डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, और आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देना है, क्लियर है। पहले नंबर पे इंटीजर, फिर उसके बाद जेड, फिर उसके बाद 500। दोबारा सुने, फर्स्ट नंबर पे व्हाट इज डाटा टाइप, डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, क्लियर है। डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। फिर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना है, इंटीजर जेड इक्वल टू 500। इंटीजर क्या है बेटा, इंटीजर है डाटा टाइप,
और जेड क्या है, वेरिएबल, और 500 क्या है, वैल्यू है, ध्यान रखना। इंटीजर क्या चीज है, डाटा टाइप, ये डाटा टाइप है, ये अपना वेरिएबल है, ये अपना वैल्यू है। दोबारा देख लें, ये डाटा टाइप है, क्या है बेटा, डाटा टाइप, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, और ये क्या चीज है, वैल्यू है। एनी क्वेश्चन? अब दोबारा सुने एक बार और स्लो मोशन में इंग्लिश मीडियम वाले, डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, इंटीजर जेड इक्वल टू 500, इंटीजर हमें है डाटा टाइप, जेड क्या है, वेरिएबल है, 500 क्या है, वैल्यू है, और डाटा टाइप ही ये डिक्लेयर करता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, आपको लिखना है टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। मेनली टाइप्स ऑफ अपने थ्री है, वैसे तो बहुत से है, बेसिक भी है, ड्राइव भी है, यूजर डिफाइन भी है, तो आपको ये तीन टाइप के एग्जाम्पल दे देने हैं, जैसे इंटीजर डाटा टाइप, फ्लॉट डाटा टाइप और करेक्टर डाटा टाइप, दैट्स क्लियर। आपको फिर लिखना है इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू, इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर वेरिएबल वो होते हैं जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर आते हैं, क्लियर है। तो आपको इसमें लिखना है इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल। फ्लोट डाटा टाइप में आपको लिखना है फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द फ्लोट वेरिएबल, ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डिक्लेयर द करेक्टर वेरिएबल। दोबारा सुने, दोबारा आपको डाटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि आपके पास दो नंबर का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज डाटा टाइप, तो आपको लिखना है बेटा डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, दैट्स क्लियर। फिर आपको एक एग्जाम्पल लिखना है इंटीजर जेड इक्वल टू 500, इंटीजर हमारे पास है डाटा टाइप, जेड हमारे पास है वेरिएबल, 500 हमारे पास है वैल्यू, क्लियर है। फिर आपको टाइप्स लिख देने हैं, कुछ दो तीन एग्जाम्पल के रूप में टाइप्स लिख देने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप में आप एक लाइन लिख देना, इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल। फिर ये एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल में आप लिखना इंटीजर जेड इक्वल टू 500, इंटीजर क्या चीज़ है बेटा, डाटा टाइप है, जेड क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें विदाउट डेसिमल नंबर आ रहे हैं, दैट्स क्लियर, इसमें दशमलव का प्रयोग कहीं भी नहीं किया, ठीक है, और ये है वैल्यू। अब सेकंड नंबर पे है फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द फ्लोट वेरिएबल। ये फ्लोट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें पॉइंट का प्रयोग किया आपने, डेसिमल का प्रयोग किया है, दैट्स क्लियर बेटा। थर्ड नंबर पे है करेक्टर डाटा टाइप, करेक्टर डाटा टाइप क्या होता है, करेक्टर डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द करेक्टर वेरिएबल। ये करेक्टर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें हमने अक्षरों को स्टोर किया है, करेक्टर्स को स्टोर किया है, दैट्स क्लियर। अब चलें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों साथ में, दोबारे लास्ट टाइम, और ये टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश है, ठीक है। पहले नंबर पे बेटा है अपने पास, दोबारे सुने स्टार्टिंग से जो मैंने बताया है, ताकि आप दोबारे रीडिंग करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, अपने पास 3 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट अपने पास है डाटा स्ट्रक्चर, जो आपके बेटा 20 मार्क्स की आएगी। सेकेंड यूनिट है C++ लैंग्वेज, जो आपके 16 मार्क्स की आएगी। थर्ड अपने पास है बेटा DBMS, जो आपके 20 मार्क्स की आएगी। 56 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा, और प्रैक्टिकल में आपके यहाँ से भेजे जाएंगे। रिटर्न कितने का हो गया बेटा आपका, 56, प्रैक्टिकल आपके 30 नंबर, और हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके होम एग्जाम में भेजे जाएंगे, हाफ ईयरली प्लस यूनिट टेस्ट, आपके 14 मार्क्स। टोटल बेटा आपका कितने नंबर का हो गया, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। कितने नंबर का हो गया, 100। एक चीज़ ध्यान रखे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि यदि अपने को, अगर अपने ने प्रैक्टिकल और हाफ ईयरली में अच्छी तरह तैयारी कर ली, स्कूल में आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आप रहते हो, ढंग से पढ़ते हो, यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है अच्छे नंबर लाना यूनिट टेस्ट में, होम एग्जाम है, हाफ ईयरली में आप अच्छे नंबर लाते हो, तो आपके बेटा पूरे से पूरे जो 44 मार्क्स जाएंगे। यदि आप 44 मार्क्स ले आते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपके फर्स्ट डिवीजन और डिक्टेशन मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपके 10th में 3rd डिवीजन बाय ग्रेस पास हो,
कंप्यूटर में आप 90 प्लस कर सकते हो यदि मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। 100% गारंटी लेता हूं मैं कि आप 90 प्लस करोगे तो मिनिमम तो आप डिक्टेशन मार्क्स तो लोगे ही लोगे, मिनिमम डिक्टेशन मार्क्स लोगे, चाहे अदर सब्जेक्ट में आपके 10th में चाहे 3rd डिवीजन आए, चाहे अदर सब्जेक्ट में चाहे आपके 33% आए, 34 आए, चाहे 10th में आपके 40% क्यों ना आए, लेकिन कंप्यूटर वाला स्टूडेंट 90 प्लस करके गया है। हर साल ऐसा होता है, ध्यान से सुन लें, मिनिमम डिक्टेशन मार्क्स तो आती है चाहे वो 10th में 3rd डिवीजन आए। कैसे? यदि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो। यूनिट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक आपको 20 मिनट तक रीडिंग करना है बाद में, ठीक है? तो ध्यान से सुन लें कि अगर आपके 44 मार्क्स यहाँ से जाते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में बेटा पास होने के लिए ओनली फॉर चाहिए कितने मार्क्स? 9 मार्क्स। सिर्फ 9 मार्क्स आप लेते हो कंप्यूटर में, आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। यदि आपको फर्स्ट डिवीजन लेनी है कंप्यूटर में तो ओनली फॉर आपको चाहिए 16 मार्क्स। दैट्स क्लियर। अगर आपको डिक्टेशन मार्क्स चाहिए, डेस्टिनेशन मार्क्स चाहिए 75% जिसको बोलते हैं, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर में चाहिए 31 मार्क्स। अगर 100 मार्क्स चाहिए तो क्लियर ही है कि अपने को टोटल कितने चाहिए बेटा? 56 मार्क्स। तो 100% भी आप ला सकते हो, ठीक है? वो आपके लिए 56 यदि आप लाते हो, एक एक चीज़ टॉपिक क्लियर करते हो, डेली आप क्लास लगाते हो, डेली आप रीडिंग करते हो, तो आप 90 प्लस क्यों, आप 100 भी ला सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने बताई है बेटा। कितनी यूनिट्स है अपने, आपको पता होनी चाहिए एक एक चीज़, कितनी यूनिट्स है अपने बुक में? 3 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज डाटा स्ट्रक्चर, कितने नंबर की आएगी ये? 20 नंबर की। सेकंड यूनिट इज C++ लैंग्वेज, कितने नंबर की आएगी बेटा? 16 मार्क्स की। थर्ड यूनिट इज DBMS, कितने मार्क्स की आएगी? 20 नंबर की। कितने नंबर का रिटर्न पेपर होगा? 56। प्रैक्टिकल में कितने जाएंगे? 30 मार्क्स। और हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग कितने जाएंगे? 14 मार्क्स। टोटल हो गया 100। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 9 मार्क्स। फर्स्ट डिवीजन के लिए 16 मार्क्स, डिस्टिनेशन मार्क्स के लिए 75% के लिए 31 नंबर 31 मार्क्स, और 100% के लिए कितने चाहिए बेटा आपको? 56 मार्क्स, जो आप ले सकते हो। नथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, और कंप्यूटर में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? अब मैंने आपको जो टॉपिक बता रहा था, मैं 12th में थोड़ा सा एक लास्ट टाइम और रिवीजन करेंगे, फिर मैं कल आपको दोबारा पूछूंगा, टेस्ट भी लूंगा मैं ऑनलाइन, ध्यान से सुन लेना, ऑनलाइन क्लासेज में या कोई भी आपको फ़ोन पे भी, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर भेज सकता हूँ मैं, अपने नंबर देऊंगा मैं, ठीक है? तो टेस्ट पेपर आप सॉल्व करके मेरे को वापस भेज सकते हो, तो उसमें आपको और फ़ायदा होगा। तो दोबारा सुने कि क्लास 12th कंप्यूटर साइंस क्लियर है, बेसिक पॉइंट हमें क्लियर होंगे तभी तीनों यूनिट हम क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। जो अपने बेसिक पॉइंट कर रहे हैं उसके टॉपिक तीनों यूनिट में है, और तीनों यूनिट में ये आपको मार्क्स भी देके जाएंगे। तो पहला टॉपिक बेटा मैंने आपको बताया वेरिएबल, क्या होता है बेटा वेरिएबल? वेरिएबल के द्वारा हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, डैट्स क्लियर। वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू, क्लियर है? एग्जाम्पल आपको देना है जेड इक्वल टू 500। दूसरा टॉपिक बेटा मैंने आपको बताया डाटा टाइप, डाटा टाइप को हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों के प्रकार, ठीक है? डाटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, डाटा टाइप का उपयोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के, वैसे तो बहुत होते हैं, मैंने आपको बताया बेसिक, ड्राइव और यूजर डिफाइन। बेसिक ही डाटा टाइप कई होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, लेकिन एक बार भूल जाओ जो मेन अपने सिलेबस में है वो 3 डाटा टाइप है। कौन कौन से जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे? इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप और करेक्टर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर आते हैं। फ्लोट डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल नंबर आते हैं। और करेक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें हम करेक्टर्स को स्टोर करते हैं। अब दोबारा सुने कि इंटीजर डाटा टाइप जिसमें हम बिना दशमलव की संख्याओं को स्टोर करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप जिसमें हम दशमलव की संख्याओं को स्टोर करते हैं, करेक्टर डाटा टाइप हमें करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? इसको आप 2 या 3 बार दोबारा वीडियो को देखेंगे, मैं कहता हूँ लाइफ भर आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे, एंड गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर।